कॉमन मल्टीपल्स, थिंक ऑफ अ नंबर, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इट इन द रेड सर्कल, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन द ब्लू सर्कल। ओके, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं आप देख पा रहे हैं, एक लेडीज़ खड़ी है और इस साइड दो सर्कल है, एक येलो कलर का है और एक ब्लू कलर से है, तो 3 एंड 5। तो थ्री के टेबल में कौन कौन से, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं हम इस सर्कल में लिख लेंगे जो कि येलो कलर का है, और 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं वो हम 5 के सर्कल में लिख लेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 के भी जो टेबल में आते हैं पूरा 5 10 तक के पूरे लिख लेंगे, 10 जो इसके हैं मल्टीपल्स। इसके बाद जो इनके दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं, इट मीन्स कि जो 3 के टेबल में भी जो नंबर आता है और 5 के भी टेबल में आता है सेम नंबर, वो नंबर हम ये जो बीच में दिया है ना सर्कल, यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो इसको आप करके देखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो जो 3 एंड 5 है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो 3 एंड 5 है ये क्या है, 3 5 15 होता है ना, 15 इन दोनों के टेबल में भी आता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल्स क्या है। मल्टीपल्स वही होता है जो इन्हीं से बना है, मतलब कि इन्हीं के जो फैक्टर होते हैं ना उनसे बना है। जैसे 3 एंड 5 हुए, तो अगर आप जब इनका टेबल रीड करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं, राइट। तो वो इनके मल्टीपल्स हुए, इन्हीं को काउंट कर करके वो बने हैं। मल्टीपल मतलब कि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15 हुआ ना, तो 3 का मल्टीपल 15 हुआ, और 5 को 3 टाइम अगर हम ऐड करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो वहाँ पे भी 15 आया, तो वो इसके मल्टीपल कहलाएंगे। अंडरस्टूड, ये इसके मल्टीपल हुए, राइट। सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5, वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 एंड 5। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं, होंगे ही, जो 3 एंड 5 के दोनों के होंगे, जैसे मैंने बताया 15 हुआ तो ये दोनों में आएगा, सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 एंड 5। तो ये कॉमन नंबर हो गया, 3 एंड 5 के नंबर में ये एक कॉमन नंबर हो जाएगा जो दोनों के टेबल में आएगा। अंडरस्टूड, सो थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल कॉमन, और इफ़ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 एंड 5 इन द पर्पल पार्ट, देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। तो जब आप इसको पर्पल कलर के उसमें लिखेंगे तो क्या ये 5 एंड 3 के दोनों के पार्ट में रहेगा, आप इसके बारे में सोचिए कि आपको लिखना है कि नहीं। तो हम उसको नहीं लिखेंगे वहाँ पर, हम सिर्फ पर्पल वाले में लिख लेंगे जो बोथ में रहेंगे, राइट। तो एक ही बार लिखना है अगर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर दोनों में आ रहा है तो पहले तो हम 3 में लिखेंगे, 5 में भी लिखेंगे, और जब दोनों में आ रहा है तब हम बीच में भी लिखेंगे, राइट। तो इसका आंसर ये हो सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर कौन सा है इन दोनों में, तो वो लिखना है अब आपको। तो कौन सा है जो दोनों के टेबल में आएगा, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और स्मॉल है, इट्स 15 ना, जो इन्हीं से बना है, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन से बना है, 5 3 15, तो 15 तो सबसे छोटा है, जो बाकी तो इससे बड़े हैं जितने नंबर्स हैं, राइट। तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 एंड 7। अभी तक हमने 3 एंड 5 से ये गेम खेला है ना, और अब हम इसको रिप्लेस करके 2 एंड 7 ले लेते हैं और रिपीट करते हैं ये गेम। सो 2 एंड 7 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपको लिखना है, 2 का जो है 2 में, 7 का 7 में, और जो इनके कॉमन है, जैसे 2 7 14 होता है, तो जो 14 है, जैसे ये कॉमन है, तो कॉमन वाला आपको बीच वाले पर्पल वाले में लिख लेना है। ओके, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7। तो अब आपको यहाँ बॉक्स में जो कॉमन मल्टीपल्स है ना 2 के, वो लिखने हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या होते हैं वो, कौन कौन से हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स का मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, या जो 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो 20 के आगे भी मल्टीपल्स हैं इसके, मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, मगर 2 के मल्टीपल्स और भी हैं। ये जैसे 7 के टेबल में भी है कुछ 2 के मल्टीपल, जैसे 7 में है 7 14 21 28 35 42। तो जैसे ये 14 हुआ, ये भी इसमें आ रहा है, ये भी 2 का मल्टीपल है,
और 28, 42, 56, 70। मैंने यहाँ ये देखिए इनके कॉमन नंबर यहाँ लिख दिए, तो इनके कॉमन नंबर हैं 14, 28, 42, 56 एंड 70।